सृष्टि का आरंभ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। एक ईश्वर, एक ही वेद ज्ञान के चलते सब सुखमय वैभवशाली जीवन का आनंद लेते थे। न भेदभाव, न ऊंच नीच, वैभवशाली था आर्यवर्त। परंतु दुर्भाग्य, महाभारत काल आते आते वेद ज्ञान की अनदेखी और गलत अर्थों के कारण राज सत्ताओं की चाल और चिंतन बदलता चला गया। दयानंद कहते हैं, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। यही हुआ भी। विश्व गुरु रहा आर्यवर्त, यह भी पहचानने में सक्षम न रहा कि हम पर कोई और शासन कर रहा है। विशाल वैभव का यह देश विदेशी आक्रांता, अंग्रेजी सत्ता, कुरीतियों और अंधविश्वासों के बोझ तले अंधियारे काल में गहरी नींद में सो चुका था। इसी अंधियारे काल में 12 फरवरी 1824 में मूल नक्षत्र में मूल सत्य की स्थापना के लिए हजारों रश्मियों की चकाचौंध और ध्वनियों की टंकार के साथ गुजरात के टंकारा में मूल शंकर ने जन्म लिया। शिवरात्रि पर बोध होने पर 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सच्चे शिव की खोज में दयानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु बिरजानंद जी से शिक्षा पा वे सारे देश में घूमे। देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल को गहराई से जाना, समस्याओं के मूल को समझा और परिवर्तन युद्ध के मैदान में अकेले कूद पड़े। आदित्य ब्रह्मचारी की गर्जना ने सदियों से सोए भारत को झकझोर कर खड़ा कर दिया। सन 57 के संघर्ष में एक ओर बादशाह बनाने का लक्ष्य था तो दूसरी ओर लंदन की महारानी हमें माता पिता के समान पालन पोषण करने का बहलावा दे रही थी। दो ही रास्ते थे, परंतु दयानंद की इस हुंकार ने देश की चिंतन धारा ही बदल दी। कोई कितना ही करे, किंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। इतिहास के हस्ताक्षर हैं कि इस युग में स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का जन्म इसी वाक्य से हुआ। न होगा बादशाह, न होगी अंग्रेज महारानी, हमारी होगी अपनी सत्ता, अपना राजा, अपनी रानी। विराट भारत की कल्पना दयानंद ने ही दी। वेद के गलत अर्थों को प्रचारित करके अपने ग्रंथों को महानतम बता के मूल संस्कृति समाप्ति का षड्यंत्र था। तब दयानंद की ये सिंह गर्जना थी, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों की ओर लौटो। वेद के सही अर्थ भी लौटे और भूले बिसरे लोग भी। इस युग में तुम्हारी क्रांतिकारी सोच ने ही तो आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली गौशाला दी, पहला अनाथालय दिया, पहला महिला गुरुकुल और महिला छात्रावास दिया, पहला स्वदेशी बैंक, पहली पुनर्वास कॉलोनी दी, आयुर्वेदिक फार्मेसी दी, डीएवी कॉलेज दिया, गुरुकुल परंपरा को जागृत किया, हिंदी का उपहार दिया, नमस्ते शब्द से पहचान दी। तुम्हारी सोच ने ही डोला पालकी जैसी सैकड़ों प्रथाएं तोड़ी, समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा, विधवाओं को सम्मान दिलाया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया, पहली महिला विमान पायलट दी, भगत सिंह, बिस्मिल, लाजपत राय जैसी बलिदान होने वाली सेना दी, तो श्रद्धानंद, श्याम जी, कृष्ण वर्मा जैसे हजारों क्रांतिकारी दिए, मुंशी प्रेमचंद और गुरुदत्त जैसे क्रांतिकारी कलमकार दिए, सैमुअल स्टोक्स को महात्मा सत्यानंद बनाया, तलपड़े जैसी वैज्ञानिक सोच के लोग दिए, जातिवाद तोड़कर आर्य नाम दिया, नया चिंतन, नई सोच दी, सत्यार्थ प्रकाश दिया और अमूल्य उपहार आर्य समाज दिया। ऋषि दयानंद, हम तेरे नतमस्तक हैं, पर हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई। रोती बिलखती भारत छोड़कर जाने वाली शक्तियाँ अब भी छुपे रास्तों से प्रहार के रास्ते खोज रही है। प्रहारों को हमें पहचानना होगा। दयानंद ने अंधकार से निकालकर हमारा आज दिया है। अगली पीढ़ी को हमें बेहतर कल देना है। आंकड़ों से हमें समझना भी है, संभलना भी है। मजबूत परिवार, मजबूत भारत, रिश्ते बचाइए, ऊंच नीच को मिटाकर गले लगाइए। प्राकृतिक कृषि से बनेंगे किसान राजाओं के राजा। नशा मुक्त युवा ही है भारत का भविष्य। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। आओ, दयानंद के चिंतन दर्शन और चुनौतियों का सामना करने के संकल्प को दोहराएं।
घर घर खेत खलिहान तक जाएं, यह राष्ट्र विश्व को राह दिखा पाए, आज यही संकल्प है। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आर्य समाज गत 150 शताब्दी की भांति ही राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पूर्ण संकल्पित एवं समर्पित भाव से कार्य करता रहेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के भागीरथ प्रयासों में आर्य समाज मजबूत भूमिका का निर्वाह करने के लिए कृत संकल्पित है। आज आर्य समाज की विश्व के 5 महाद्वीपों में विस्तारित 10,000 से अधिक इकाइयां सेवा, शिक्षा, संस्कार और अन्य मानव उपयोगी कार्यकलापों में पूर्ण रूप से संलग्न है और महर्षि दयानंद के दिखाए मार्ग पर चलकर कृणवंतो विश्वार्यम के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। हे महर्षि, हे दयानंद, 200वीं जयंती पर नतमस्तक हैं हम सब। हे दयानंद, तुम्हें वंदन वंदन वंदन।